नेगी सर ने और बाकी सारे फैकल्टीज ने तो जबरदस्त मचाया हुआ है पेड कोर्स में, अब आपकी बारी अलग रहा है। इसमें जैसे 4 घंटे का लेक्चर होगा उसमें कुछ हम DPP देंगे और उसमें जो उससे रिलेटेड जो PYQ है उसके वीडियो सॉल्यूशन सेम डे दे देंगे हम। सर मटेरियल साइंस में तो मुझे खुद पता है कि एक ही क्वेश्चन के 4-4 आंसर होते हैं, तो किसी का ए सही बताता है, कोई बी सही बताता है। सर बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं सर, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है? हाँ सर, बढ़िया है सर। हाँ। और सर आप बताइए, आपका कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है सब कुछ। अभी थोड़ा यूट्यूब वाले कोर्सेस लिए थे, अभी 16 से मेरा कोर्स शुरू होने वाला है। पेड कोर्स? अच्छा, पेड कोर्स शुरू होने वाला है सर। अरे सर, नेगी सर ने और बाकी सारे फैकल्टीज ने तो जबरदस्त मचाया हुआ है पेड कोर्स में, अब आपकी बारी अलग रहा है। तो सर आप ये जो कोर्स आ रहा है, जैसे आप, मुझे पता है सर मैं आपसे पढ़ा हुआ हूँ, पिछले 23 साल से आप लोग पढ़ा रहे हैं, तो इस बार जो आप कोर्स लेके आएंगे उसमें सर क्या नया लेके आ रहे हैं आप? देखो इसमें क्या करेंगे हम, जो मैं ले रहा हूँ मटेरियल साइंस है, फॉर्मिंग है, मेट्रोलॉजी है, कास्टिंग है, इसमें जैसे 4 घंटे का लेक्चर होगा उसमें कुछ हम DPP देंगे और उसमें जो उससे रिलेटेड जो PYQ है उसके वीडियो सॉल्यूशन सेम डे दे देंगे हम। अच्छा सर, PYQ भी उसी दिन दे देंगे और उसके वीडियो सॉल्यूशन भी उसी दिन सेम डे दे देंगे। ये तो सर मुझे लग रहा है ये जबरदस्त चीज होने वाली है, क्योंकि बच्चा जाके वीडियो सॉल्यूशन देखेगा अगर PYQs के, पहली बात तो PYQs ही नहीं मिलते थे सर, अलग अलग जगह पे हमें PYQs मिलते हैं और जहाँ भी मिलते हैं वहाँ हमारे, सर मटेरियल साइंस में तो मुझे खुद पता है कि एक ही क्वेश्चन के 4-4 आंसर होते हैं, तो किसी का ए सही बताता है, कोई बी सही बताता है। आई होप अगर आप PYQs दे रहे हैं उसी टाइम में तो बच्चों को सब एक ही टाइम पे जा रहा होगा। लोग तुक्का लगाते हैं प्रोडक्शन में, मतलब कोई लॉजिक नहीं होता, इसलिए तो अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर होते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि फंडामेंटल बेस्ड में जो PYQ बताएंगे हम, फंडामेंटल के अंदर जाके सॉल्यूशन देंगे हम उसमें, जैसे कि जो हमारा बिलो एवरेज स्टूडेंट है उसको भी एक अलग एक्सपीरियंस हो। सर बुक से मेरे को याद आया सर, सबसे ज्यादा मुझे लगता है लोग बुक पे ही कंफ्यूजन होता है, कौन सी बुक, अरे सर मैं भूल गया कौन सी बुक मुझे नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि आपकी तो अपनी एक बुक आ रही है, मैंने भी आपकी बुक पढ़ी हुई है, बहुत ही जबरदस्त बुक है। आई होप सर उसका लेटेस्ट एडिशन आ रहा है शायद अभी। हाँ, एक्चुअली 2011 में मेरा फर्स्ट एडिशन था, अभी 4th एडिशन आ रहा है। ओके, तो अभी ये जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक में मार्केट में आ जाएगी, 4th एडिशन उसमें है। ओके, हाँ तो सर ये जो आप कोर्स पढ़ाने वाले हैं, इसमें जैसा आपने बता रहा था कि मेट्रोलॉजी में नया पढ़ाएंगे सर, तो मेट्रोलॉजी में मुझे जैसा याद है कि वो लिमिट जहाँ पे क्रॉस होती हैं वो गो गेज नो गेज होता है, उसके आगे का भी कुछ एक पोर्शन हुआ करता था सर, मुझे नहीं पता क्या है वो वो भी आप पढ़ाने वाले हैं क्या? नहीं, हाँ बात तो सही बोल रहे हैं आप, गेट के सिलेबस में जैसे अलाइनमेंट टेस्ट वगैरह है उसे कोई पढ़ाता ही नहीं जनरली, पर हम डिटेल में पढ़ाएंगे। ओके, और देखिए कुछ नए टॉपिक्स भी ऐड कर रहा हूँ अपनी बुक्स में, जैसे बच्चों को इजी हो, जैसे 3 नए चैप्टर ऐड कर रहा हूँ 4th एडिशन में मैं। ओके, नौरासा पब्लिकेशन आपको बुक मार्केट में आ जाएगी, उनसे हमारा एग्रीमेंट भी हो चुका है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हो गया और आपका ऑटोमेशन हो गया और अनकन्वेंशनल मशीनिंग, 3 नए चैप्टर ऐड कर रहा हूँ उसमें मैं। ओके, तो जो भी जो ना मेट्रोलॉजी है लिमिट्स फिट्स पर खत्म कर देते हैं लोग, कंपैरेटर कोई नहीं पढ़ाता, राइट सर, और ये अलाइनमेंट टेस्ट वगैरह है, तो सबको डिटेल में पढ़ाएंगे हम, तो इसका मतलब DPP भी देंगे। इसका मतलब सर मुझे 4-5 बुक में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे एक ही जगह पे 1-stop solution मिल जाएगा। हाँ, और सर आई होप, मुझे ये भी नहीं, मुझे बोलना नहीं चाहिए बट शायद मुझे 1500 पन्ने की किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, आई होप सर, बिकॉज सर बुक्स में प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है वो रेफरेंस बुक, अच्छी रेफरेंस बुक ढूंढना, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि दैट इज़ ऑल्सो ए हरक्यूलियन टास्क, जो शायद आई होप आपकी जो बुक आ रही है उसमें ये सब सॉर्टेड आउट होगा सर। बच्चों को मैंने, क्योंकि मैं 2000 से पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों की प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को, हर किसी बच्चे को प्रोडक्शन मटेरियल साइंस में प्रॉब्लम है, तो उसी को ध्यान में रख के मैंने 2011 में लॉन्च की थी बुक, मेरे को 3 साल लगा था बुक लिखने में, उसके बाद इम्प्रूव किया 2nd edition 3rd edition, तो मैंने बच्चों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले बच्चे उनको टारगेट लेके बुक लिखी है एक्चुअली, तो डेफिनेटली बेनिफिट होगी, और मैं हूं ना यहाँ पे सब डाउट क्लियर करने के लिए। सर ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप उस बुक को, जैसे आप ऑलरेडी मतलब आपके पेपर्स आते रहते हैं, आपकी रिसर्च पब्लिश होते रहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है आप उस बुक में वैसा ही देने वाले हैं? आई होप आप गेट को ध्यान में रखे हुए उसको लिख रहे हैं। नहीं, उसमें मैंने इस ध्यान बुक ऐसे लिखी है मैंने कि जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है
उसके दिमाग में छप जाए, समझ के एग्जाम क्रैक कर सके। रिसर्च के लिए मेरे एक सेपरेट बुक आएगी। अच्छा ओके सर, वो हम लोग पढ़ेंगे सर। तो सर आई होप जबरदस्त होने वाला आपका कोर्स, बेस्ट ऑफ लक सर। आप भी सर मचाइए जैसे सारे फैकल्टीज मचा रहे हैं सर। थैंक यू वेरी मच।